शीतलहरसँगै बढेको चिसोले तराईको जनजीवन निकै कष्टकर बनाएको छ। त्यसमा पनि गरिब तथा दलितहरूका लागि यो चिसोले पीडा नै दिएको छ। पश्चिमी सिरेटो लगातार बहिरहँदा पनि न्यानो कपडा र पोसिलो खानेकुरा नहुँदा दलित बस्तीका बासिन्दा बाक्लो धुवाँको मुस्लो निस्कने घुर वरिपरि बसेर न्यानो खोज्दैछन्। पात पतिङ्गर बटुलेर बालिएको आगोलाई यहाँ घुर भनिन्छ। गरिबीले न्यानो लुगाको जोहो गर्न नसकेपछि निकै धुवाँ आउने घुरमै गरिब बस्तीका दलितले न्यानो खोज्न बाध्य छन्। महोत्तरीका मुसहर, चमार, दुसाद, बाँतर, डोम, मेस्तर र खदबे लगायतका ससाना पराले झुप्रा भएका बस्ती पिच्छे अहिले यसरी बालिएका घुर नै जाडोबाट बस्ने मुख्य स्रोत बनेको छ। जाडोले आफूहरूको बेहाल भए पनि स्थानीय सरकारले राहतका लागि कुनै पहल नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। जे जरना बेगर की कहै छै भोजन न प्राप्त कर सकैए ओकरा लेल की कहै छै हाँ कपड़ा बेगर उ ठिठुर के काइप रहल छै हाँ धुनी बेगर उ अनाथ जेका चुहरा जेका मर के अवस्था में है गरीब आदमी के के आए देखे पैसे वाला के ने पैसा वाला चिन्हित हमनी के के चिन्हत कोई ताकिए तो आइए ना झांकी मारिए आइए ना कि केने खाइ छे केने परल छे केने छे न छे कोइ न। जिल्लामा रहेका विपद व्यवस्थापन समितिले अहिलेसम्म गरिब दलित बस्तीमा जाडो छल्नको लागि कुनै प्रकारको राहत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छैनन्। यता एकडाँडा गाउँपालिकाले भने स्थानीयहरूलाई जाडो छल्न केही दिनमा गाउँपालिकाका चोकहरूमा दाउरा बाल्ने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ। दाउरा बाल्ने ठाउँ ठाउँमा त्यसपछि तपाईँको न्यानो कपडाहरू वितरण गर्ने त्यो मिडिया मार्फत चाहिँ जाडोबाट बच्ने उपायहरू प्रचार प्रसारको माध्यम मिलाउने त्यो हिसाबले हामीले निर्णय गरिदिएछौँ। अत्याधिक चिसोका कारण श्वास प्रश्वास, रक्तचाप, निमोनिया जस्ता बिरामीहरूको चाप बढ्न थालेको जलेश्वर अस्पतालले जनाएको छ। चिसोबाट बच्नका लागि न्यानो कपडा लगाउने, सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कने, पोसिलो तथा ताजा खानेकुरा खाएर शरीरलाई तातो राख्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। शीतलहरको बेलामा अति महत्त्वपूर्ण काम नभइकन सकेसम्म घरबाट बाहिर निस्कनु भएन फर्स्ट कुरा। अर्को कुरा चाहिँ घरमै अथवा घर बाहिर हुँदाखेरि पनि आफूलाई न्यानो पार्ने उपाय त्यो आगो तापेर हुनसक्छ, त्यो सँगसँगै गरम झोलिलो खानेकुराहरू खाएर चाहिँ बाँच्न सकिन्छ, साथै न्यानो लुगा लाउने, यस्तो कुराहरू चाहिँ सर्वसाधारणमा जनचेतना फैलाउनु जरुरी छ। चिकित्सकहरूले श्वास प्रश्वास तथा दमको समस्या भएकाहरूलाई धुवा आउने गरी आगो नताप्न पनि सल्लाह दिएको छ। तर गरिब तथा दलित बस्तीका सर्वसाधारणहरूलाई दम होस् या श्वास प्रश्वासकै रोग, कठ्याङ्ग्रिने चिसोबाट बच्न बाक्लो धुवाँ आउने घुर ताप्नु नै एकमात्र विकल्प बनेको छ। विभिन्न स्थानका स्थानीय तहले वर्षेनी दाउरा वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, जुन तत्कालीन राहत मात्र हो। दाउराभन्दा कम्बल वितरण दीर्घकालीन होला कि या कम्बलभन्दा पनि दीर्घकालीन अरू केही हुन सक्ला, सम्बन्धित निकायले सोच्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि महोत्तरी सहकर्मी गोपाल झाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। गाउँपालिकामे अभी तक शीतलहरीमे इसकुल बन्द करा देलकै आ जे विपत्ति बजैत हइ जरना उपलब्ध कराबी, कपड़ा उपलब्ध कराबी, विपदके समयमे आफतके समयमे जे कोष हइ ओहिमे से तमाम लोकके जे बूढ़ है कहै छै कपड़ो के सहयोग, कम्बल के सहयोग से सब अखन तक नै कलकैया, गावी से चुपचाप बैठल है ही के चक्कर में छै। एक तेलारी माटी गिरेलक तो दस तेलारी लीख के पास कैलक, बजट खैलक। ये आपत समय में, विपत्ति के समय में
जे जरना बेगर की कहे छे भोजन न प्राप्त कर सकैया ओकरा लेल की कहे छे हां कपड़ा बेगर उ छिठूर के काइप रहल छे हां धुनी बेगर उ अनाथ जेका चुहरा जेका मरक के अवस्था में समिति बाट दाउरा बाल्ने ठाउँ ठाउँमा त्यसपछि तपाईको न्यानो कपडाहरू वितरण गर्ने त्यो मिडिया मार्फत चाहिँ जाडोबाट बच्ने उपायहरू प्रचार प्रसारको माध्यम मिलाउने त्यो हिसाबले हामीले निर्णय गरिदिएछौँ। त्यसको पहिलो चरणको काम चाहिँ यसमा यस्तो शीतलहरको बेलामा अति महत्त्वपूर्ण काम नभइकन सकेसम्म घरबाट बाहिर निस्कनु भएन फर्स्ट कुरा। अर्को कुरा चाहिँ घरमै अथवा घर बाहिर हुँदाखेरि पनि आफूलाई न्यानो पार्ने उपाय त्यो आगो तापेर हुनसक्छ, त्यो सँगसँगै गरम झोलिलो खानेकुराहरू खाएर चाहिँ बाँच्न सकिन्छ, साथै न्यानो लुगा लाउने यस्तो कुराहरू चाहिँ सर्वसाधारणमा जनचेतना फैलाउनु जरुरी छ। बिरामीको चाप वास्तवमा भन्यो भने पहिलाभन्दा कम भएको छ, तर यो शीतलहरले लाग्ने रोगहरूको बिरामीको संख्या पहिलाको तुलनामा बढेछ। जस्तै शीतलहरको कारणले लाग्ने रोग भन्दाखेरि रुघाखोकी, त्यस्तै दम बढ्ने, अनि भाइरल ज्वरो, कान दम बढ्ने समस्याहरू बढाउँछ र आँखामा पनि केही मात्रामा चाहिँ असर गर्छ त्यस्तो धुवाले। अनि त्यसभन्दा पनि सँगसँगै चाहिँ त्यो आगो लाग्ने, ताप्दा ताप्दै कपडाको आगोले समातेर बर्फको केसहरू धेरै आइरहेछ, त्यतातिर पनि सावधान हुनु जरुरी छ। कनिजा खाते नम्बर न हाम्रो बडा तकलिफ है, यहाँ दोसराके घरमे रहल छियै 6 महिनासँ, घर गिर गेल है तऽ खेवा खर्चा न है, कपडा लत्ता न है, बर बिछौना न है, जाड़ामे गीत गीत आई छी, पूरा पर सुती छी, ना आयल देखे के देखे आज सर हमनी के गरीब आदमी के के आए देखे, पैसे वाला के ना पैसा वाला चीनी छी हमनी के चिन्हत, कोई ताकिए तो आइए ना झांकी मारिए आइए ना कि केने खाए छे केने पड़ल छे केने छे न छे कोई ना। चीज के तकलीफ है, भूकस बुनी में हर चीज के तकलीफ है, कथू के ओढ़ना तोड़ना हर चीज के दिक्कत है, कोई चीज के कोई अवलम्ब न है। तकलीफ ये है सब चीज के घर आती थी, गरीब आदमी छे, उनका जगह जमीन ना है, कोई आय उपाय ना है, उनका जगह जमीन में छे सुनै छै ना, कोई आय उपाय दै छै कोई चीज ना, कोनो अथी ना कहै छै, एक मुखिया पंच कोई किछो ना, एगो रानीमे घर बनेने तऽ रानीमे तऽ घर उजाड़ के बर्बाद हो गेलै, तऽ दोसराके जमीनमे बना के रहल छी, हम जगह जमीन हेबो ना करै, दोसरके जमीन पर बसल छियै, आब जेहो है आ जकरो सन के दै छियै लै छियै ओहो सन देबो ना करै छै, आब गरीब आदमी कतऽ से लतै। सरकारी जमीन, सरकारी जमीन में रहै छै ई हजाम ठाकुर अलख दखल कै, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन में हम रही थी। हाँ दखल मतलब वह रही कैले, अभी हमरा सुन के वह दिले ही रहे लगे, ऊपर से हटा ऊपर से कहिए खालिए करे लगे के जे हजाम रख ले से जेकर जमीन हव से कहिए जे बोलू न आई पर सब हटू दिले छियै, ओय में मतलब सुकुमवासी में हम पूरा लिखवा के दिले छियै, लेकिन वहां से हमरा अभी तक ले खबर नहीं आई, कम से कम 2 साल हो गए, 2 साल में अभी तक ले खबरों नहीं अयलक जे कहाँ गरीब बसते या कोई न रह खाए छी न तो भूखले मरे छी, तब कथे करो मोची के काम करो। हाँ मोची के है जूता चप्पल के काम करे छी, पंचायत भवन में हम सुन रही खिड़की टाइम के रह बाल बच्चा ना हमरा खर्चा दे या ना किछो दे या कमाए छी तो खाए छी। कते उम्र भेल यहाँ के तो अहा केना खाय छियै, मतलब कि बनाबै छियै के बना के ओकरो दे छियै, इतना तो कमा दे कमा के लबै छियै, इतना हम क दैय खाय ला, ओ गाड़िये देखिए बाते कह के दे क दैय कमा के खाना छु, बेटा पुतौ हेबे न कर तो के दे तू खाय के खाय लागी, कमा दुख दुख माय के लबै छियै तो खाय छियै। चले के तड़ को पापा उ नै त केना चलिए जेती कहती तब न कोनो उपाय रहिते, पहल नगरेको उनीहरुको गुनासो छ। जे जरना बेगर की कहे छे भोजन न प्राप्त कर सकैए ओकरा लेल की कहे छे हां कपड़ा बेगर उ छिठूर के काइप रहल छे हां धुनी बेगर उ अनाथ जेका चुहरा जेका मरक के अवस्था में है। सुनै छै ना कोई आय उपाय दै छै कोई चीज ना,
कोनो अथी न कहै छी एके मुखिया पंच कोई किछो न एगो रानी में घर बनेने तऽ रानी में तऽ घर उजाड़ के बलगा दे गेले तै दोसरा के जमीन में बना के रहल छी देखे के देखे आज सर हमनी के गरीब आदमी के के आज देखे पैसे वाला के न पैसा वाला चीनी हमनी के चिन्हत कोई तकिया तो आइए ना झांकी मारिए आइए ना कि केने खाए छे केने पड़ल छे केने छे न छे कोई ना बाल्ने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ दाउरा बाल्ने ठाउँ ठाउँमा त्यसपछि तपाईको न्यानो कपडाहरु वितरण गर्ने त्यो मिडिया मार्फत चाहिँ जाडोबाट बच्ने उपायहरू प्रचार प्रसारको माध्यम मिलाउने त्यो हिसाबले हामीले निर्णय गरिदिएछौँ।